सो हे गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने टिकटॉक के प्रोफाइल को इनविजिबल कर सकते हो और इनविजिबल अपने प्रोफाइल का नेम भी लिख सकते हो। तो गाइस, उसके लिए सबसे पहले तो आपको पिक्सल लैब ओपन करना है एंड उसके बाद आपको एक डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट ले लेना है। और सबसे पहले मैं बताऊंगा कि इनविजिबल आपको कैसे करना है। तो आपको फोर्थ नंबर पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आपको ट्रांसपेरेंट पे क्लिक करना है एंड उसके बाद उसको आप ऊपर जो है उसे सेव कर देना है, इमेज को सेव टू गैलरी में। और उसके बाद गाइस आपको टिकटॉक को ओपन करना है। तो टिकटॉक ओपन करने के बाद आपको सिंपल प्रोफाइल में चले जाना है, आपके प्रोफाइल में, और वहाँ पे प्रोफाइल में फिर जाके चेंज कर देना है जो आपने सेव किया था इमेज से। तो अभी ये ब्लैक आ रहा है, इसको चेंज कर देना है इससे एंड उसके बाद आपको सीधा सेव कर देना है और सेव के बाद अपडेट हो जाएगा। तो गाइस थोड़ा टाइम लगता है, 5 या 10 मिनट लगेगा आपके प्रोफाइल को अपडेट होने में। तो मेरा अभी चेक करता हूँ मेरा हुआ कि नहीं हुआ। तो हाँ गाइस, देख लो मेरा हो चुका है एंड पूरा वाइट वाइट दिख रहा है एंड मैं अभी आपको वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ। तो वीडियो भी पूरा अब इनविजिबल आपको दिख रहा होगा, प्रोफाइल पूरा इनविजिबल हो गया है। और हाँ गाइस, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर देना, मैं ऐसे ही नए नए ट्रेंड वाली वीडियोज़ एंड काइन मास्टर की एडिटिंग लाता रहता हूँ। तो इसी टाइप में देख सकते हो गाइस कि हमारा जो प्रोफाइल है वो पूरा अभी इनविजिबल हो चुका है, आपको मैं प्ले करके दिखा रहा हूँ। तो बहुत ही सिंपल है, बस आपको पिक्सल लैब को डाउनलोड कर देना है। तो गाइज अब मैं आपको बताऊँ कि कैसे आप टेक्स्ट को जो आपका प्रोफाइल नेम है उसको इनविजिबल कर सकते हो। खाली आपका नाम दिखेगा और बाकी सब इनविजिबल हो जाएगा। तो उसके लिए सिंपल आपको पिक्सल ऐप खोलना है और टेक्स्ट पे जाके आपका जो भी प्रोफाइल का नाम है वो लिख देना है। तो अभी मेरा प्रोफाइल का नाम है ब्लॉगर एसआर, तो अभी मैं अपना ब्लॉगर एसआर अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ एंड इसको आपको सेंटर में जाके पूरा एडजस्ट कर देना है। और थोड़ा ऐसा एडजस्ट करना है गाइज कि आप जब भी टिकटॉक पे लगाओ तो उसमें कुछ भी छुपे नहीं, मतलब कुछ वर्ड कटे नहीं। तो इस टाइप में और नीचे ये फॉन्ट दिए हुए हैं, ये फॉन्ट आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो अभी मैं इसको पहले सेंटर में एडजस्ट कर लेता हूँ। और हाँ गाइज, अगर थोड़ा सा नॉइज़ आ रहा होगा क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इस वजह से नॉइज़ आ रहा है। और यहाँ पे आप कलर जो है इसको रेड कर सकते हो एंड राइट क्लिक कर देना। और गाइज हाँ, इसका जो स्ट्रोक है वो भी कर सकते हो, स्ट्रोक मैंने कर दिया है ताकि थोड़ा ऊपर से दिखे। अगर रेड पे रेड ऐसे होता है, रेड वीडियो चल रहा है तो उस पर दिखता नहीं है, तो इसलिए मैंने स्ट्रोक दे दिया है। अब स्ट्रोक देने के बाद सिंपल आपको फोर्थ वाले ऑप्शन पे ट्रांसपेरेंट पे क्लिक करके इसको फिर से वैसे ही सेव कर लेना है एंड सेव करके आपको फिर से टिकटॉक खोलना है गाइज। और टिकटॉक खोल के फिर आपको सेम जो प्रोसेस मैंने पहली वाली वीडियो में बताया था वही प्रोसेस करना है। आपको प्रोफाइल पे जाना है एंड ये चेंज है, तो यहाँ पे आपको जाके आपने जो सेव किया था वो आपको डन कर देना है एंड कंफर्म करने के बाद सेव पे क्लिक कर देना है गाइज एंड फिर अपडेट हो जाएगा। फिर से आपको 4-5 मिनट लेगा अपडेट होने का, उसके बाद आपका प्रोफाइल पिक्चर है वो अपडेट हो जाएगा। तो अभी मैं देखता हूँ, तो फिर से करता हूँ, शायद हुआ नहीं। तो एंड अब हो चुका है गाइज एंड अब देखता हूँ मेरा हुआ कि नहीं हुआ। तो थोड़ा टाइम लगता है, तो देखते हैं। तो हाँ गाइज, अब देखो हमारा जो प्रोफाइल है उसमें सिर्फ मेरा नाम दिख रहा है मेरे प्रोफाइल का। तो अभी मैं वीडियोस में देखता हूँ कि ये हुआ कि नहीं हुआ। तो अब वीडियोस में आप देखोगे तो वीडियोस में भी गाइज देख लो, अब हो गया है, अब मेरा सिर्फ प्रोफाइल का नाम दिख रहा है जो मेरे चैनल का नाम है। तो इस टाइप में आप बना सकते हो बहुत ही सिंपल तरीके से। और सबसे पहले आप बनाओ और अपने फ्रेंड्स को भी बताओ कि इस टाइप में आप इनविजिबल बना सकते हो, नया ट्रेंड है गाइज, जल्दी से जल्दी जाओ और आप बना लो। तो ऐसे ही नए नए ट्रेंड की वीडियो देखने के लिए गाइस सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को और इसी तरह की मैं वीडियोस और भी ले आया करूँगा गाइस। तो थैंक यू गाइस।